मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाली पड़े प्लॉटों में गंदगी किए जाने पर अब प्लॉट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत में समस्याओं को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिशासी अधिकारी मुरारीलाल शर्मा ने मंगलवार को अगवानपुर नगर पंचायत के कई वार्डों का निरीक्षण किया, साथ ही समस्याओं को देखकर उसके समाधान के लिए सभी क्षेत्रवासियों को आश्वासन भी दिया। मंगलवार को अधिशासी अधिकारी मुरारीलाल शर्मा ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से बातचीत की। इस दौरान मुरारीलाल शर्मा ने सभी स्थानीय निवासियों को एक आश्वासन दिया है, छुटपुट समस्याओं के समाधान करने के लिए कार्य किए जाएंगे। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव दानिश सैफी का कहना है कि क्षेत्र में लाइटें खराब पड़ी हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी गई, जहां पर अधिशासी अधिकारी मुरारीलाल शर्मा ने क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण किया और सभी लाइटों को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय निवासियों को आश्वासन दिया। इसी क्रम में अधिशासी अधिकारी मुरारीलाल शर्मा का कहना है कि आज उनके द्वारा कई वार्डों का निरीक्षण किया गया है और साफ सफाई के साथ ही इन बातों को देखा गया है कि कहां पर क्या कमियां हैं, जहां पर उन कमियों को दूर करने के लिए भी संदेश दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखा गया है कि क्षेत्रवासी खाली पड़े प्लॉट में गंदगी करने का काम कर रहे हैं, ऐसे में अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया नगर पंचायत अगवानपुर की वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 14, 15, इनमें निरीक्षण किया गया। कुछ समस्याएं थी, कुछ लाइट से संबंधित समस्याएं थी, कुछ सफाई से संबंधित समस्याएं थी। मैंने आम जनता से मुलाकात की, उन्होंने जो भी समस्याएं बताई मैंने उन्हें निस्तारित करने का आश्वासन दिया हुआ है, जल्द ही मैं उनका निस्तारण कर दूंगा। कितनी लाइटें लगभग निरीक्षण में हमें जो भी आम जनता ने बताई 5-6 लाइटें खराब मिली हुई हैं। बाद बाकी और भी वार्डों की मैं निरीक्षण करूंगा, जितनी भी लाइटें खराब होंगी या और भी समस्या होंगी उनका सबका मैं समाधान तुरंत ही करूंगा। साफ सफाई को लेकर क्या कार्य किए जाएंगे? साफ सफाई से कार्य किए जाएंगे, जिन्होंने भी अपनी कुछ ने वो डाल रखी हैं जो सरकारी भूमियों पर या अपने प्राइवेट प्लॉटों में कचड़े डाल रखे हैं, ठीक है, उन पर मैं कार्रवाई करूँगा। बस ये इतना ही करना चाहूँगा आम जनता से, जितनी भी कंप्लेंट हैं मुझे दर्ज कराएं, मैं उनकी समस्या को तुरंत निस्तारण करवाऊँगा। और उसके साथ ही अपील करना चाहूँगा, जितनी भी साफ सफाई से संबंधित हैं, जितने भी खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, वो पर्सनली प्लॉट हैं उनके, वो उस पर अपने इस तरह से कचड़े को हटवा लें, अन्यथा की स्थिति में मैं उन पर जुर्माना लगाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों पर अब कार्रवाई करने के लिए भी अधिशासी अधिकारी ने रणनीति तैयार कर ली है।